बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूलाज़ की एक न्यू सीरीज़ के साथ मैं हूँ जैन। आज से हम जो सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टेक्स्ट फार्मूलाज़ की सीरीज़। आज हम इसमें दो फार्मूलाज़ को सीखेंगे। पहला फार्मूला है बार टेक्स और दूसरा है क्लीन। इससे पहले कि हम फार्मूले को यूज़ करना सीखें, हम इसकी एप्लीकेशन को समझ लेते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास बार टेक्स वाला फार्मूला है, ये यूज़ होता है कन्वर्ट करने के लिए किसी भी डिजिट को थाई लैंग्वेज में। ये लिखा हुआ है बार टेक्स फार्मूला कन्वर्ट्स डिजिट्स इनटू थाई लैंग्वेज। और दूसरे नंबर पर हमारा जो फार्मूला है वो है क्लीन वाला। क्लीन फंक्शन इज़ यूज टू रिमूव अनवांटेड सिंबल्स विच इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर फाइल। जब भी हम एक्सेल में डाटा किसी दूसरी फाइल से इम्पोर्ट करते हैं, कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट करते हैं, तो बाद का ऐसा होता है कि उसमें इस तरह के छोटे छोटे सिंबल्स आ जाते हैं। इन सिंबल्स को रिमूव करने के लिए क्लीन वाले फंक्शन को यूज़ करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं जी बार टेक्स वाले फार्मूले को यूज़। आपने इधर जाना है, इज़ इक्वल टू बी ए एच डबल टी ई एक्स टी ब्रैकेट स्टार्ट। करने के बाद आपने उस सेल को सेलेक्ट कर लेना है जिसमें से आपको डिजिट को कन्वर्ट, जिस डिजिट को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं थाई लैंग्वेज में। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद इंटर कर देना है। तो जो आपके पास ये डिजिट लिखा हुआ है, इसका थाई लैंग्वेज में इसको किस तरह लिखते हैं वो आपके सामने आ जाएगा। इसको आपने यहाँ से ट्रैक करना है और नीचे ले जाना है। तो आपके पास तमाम डिजिट्स की जो कन्वर्जन है वो थाई लैंग्वेज में आ जाएगी। ये चेक करने के लिए कि ये थाई लैंग्वेज में जो कन्वर्जन आई है वो दुरुस्त है या नहीं, वो राइट है कि नहीं, चेक कर सकते हैं आप इसको गूगल ट्रांसलेटर से। यहाँ से कॉपी करें, उठा के गूगल ट्रांसलेटर में ले जाएं, वहाँ से ये चेक कर लें कि इसका रिजल्ट क्या शो होता है। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है वो है क्लीन वाला। क्लीन वाला फार्मूला यूज़ होता है मुख्तलिफ कॉपी की गई इम्पोर्ट कोई भी डाटा जब हम कॉपी करते हैं एक्सेल में, तो उसमें जो ये सिंपल से सिंबल्स आ जाते हैं, ये देखें जिस तरह डॉट लगा हुआ है, डॉट सा एक सिंबल है, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्लीन वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। आपने लिखना है इज़ इक्वल टू सी एल ई ए एन ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ये मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज़ किया, क्लोज़ करने के बाद इंटर कर दिया। तो ये देखें, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया है, उसमें से वो जो इसका डॉट लगा हुआ था वो ख़त्म हो गया। यहाँ से हम इसको पकड़ कर नीचे ले जाएंगे, ड्रैग करेंगे और तमाम जो नीचे वाले सेल्स में भी वो डॉट शो हो रहा था, एक सिंबल अनवांटेड, वो रिमूव हो गया और हमारे पास जो टेक्स्ट है वो विदाउट सिंबल्स के सामने शो हो गया। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।